कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी से खफा नहीं है, नाराज है। जम्मू कश्मीर के युवा को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं जो आज तक नहीं थी किसी पार्टी से। कितना भी आप बोलें कि युवा नाराज हैं, युवा खफा है, हम नहीं कह, सुनील जी आपको आपको आप पूरी करने दे रहे हैं, तो आने वाले जब भी विधानसभा चुनाव होंगे आप तब भी देख लीजिएगा। मन की जरूरत नहीं है, हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम रोज़ाना युवाओं को कवर करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को कवर करते हैं। उनके ये आरोप है, उनका कहना है कि हम भाजपा से खफा हैं, भाजपा से उम्मीदें थी लेकिन भाजपा अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको भेज भी सकते हैं। भाजपा को वोट नहीं देंगे लेकिन बाहर ही जम्मू कश्मीर के युवा बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियाँ जो है वो बांधेंगे, लेकिन भाजपा का एक भी नेता उनसे मिलने नहीं गया। वही युवा जैसे कि आपने कहा कि उनको उम्मीदें थी लेकिन भाजपा उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, इसलिए मजबूरन उन्हें बाहर आके प्रदर्शन करना पड़ा भाजपा के खिलाफ। देखिए दो तीन चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संतुष्टि से सुनिएगा। लोग नौजवान यहाँ पे आते हैं, हालांकि ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन होने के बाद जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, और अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा ये दावा कर चुकी है कि 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर भाजपा जो है वो इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता की अगर बात करूँ, जम्मू कश्मीर के युवाओं की अगर मैं बात करूँ, तो भाजपा से काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आ रही है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का युवा अगर भाजपा से खफा है तो किस तरह से भाजपा 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, और किस तरह से ये दावा कर रही है भाजपा कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनने वाली है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुनील शर्मा जी मौजूद हैं जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सुनील जी, एक तरफ भाजपा ये दावा कर रही है कि 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर पहली बार अपनी सरकार बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर के लोग आपसे ज़्यादा खफा हैं। आप मीडिया के लोग हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं वही सच नहीं है, क्योंकि आपके पास ही वो स्टैंप नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो सच है। जम्मू कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी से खफा नहीं है, नाराज है। जम्मू कश्मीर के युवा को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं जो आज तक नहीं थी किसी पार्टी से, तो उन उम्मीदों को उजागर करने के लिए कभी वो आपसे बात करते हैं, कभी वो शोर भी करते हैं। जैसे घर में जो घर के सदस्य होते हैं अपने घर के बड़े से माता पिता से शोर करते हैं, अपनी उम्मीदें जाहिर करते हैं, तो उसे हम खफा नहीं कहेंगे, उसे हम नाराज़ नहीं कहेंगे, एक बात। दूसरी बात, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को भी स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि हमसे खफा हैं तो आप देख लीजिए ना, जो चुनाव होते हैं ये एक एग्ज़ाम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, उसकी लायकी का, उसकी काबिलियत का परिणाम कब आता है, जब वो एग्ज़ाम में बैठता है। आप 2014 के बाद चुनाव देख लीजिए, आप पार्लियामेंट का देख लीजिए, आप असेंबली का देख लीजिए, आप पंचायतों का देख लीजिए, आप डीडीसी का देख लीजिए, आप दोबारा पार्लियामेंट का देख लीजिए, क्या अभी भी आपको यकीन नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा से लेकर वृद्ध तक है? और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कितना भी आप बोलें कि युवा नाराज़ हैं, युवा खफा है, सुनील जी आपको आपको पूरी करने दे रहे हैं, तो आने वाले जब भी विधानसभा चुनाव होंगे आप तब भी देख लीजिएगा, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं, नौजवानों को जुड़ी हैं, क्योंकि उनको जॉब्स चाहिए, उनको बाकी सुविधाएं चाहिए, उसके लिए मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसे नाराज़गी या खफा की संज्ञा नहीं दीजिए, आप यकीन मानिए कि आने वाले चुनावों में युवाओं के साथ साथ वृद्ध तक भारतीय जनता पार्टी की कंपेन के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए डट जाएंगे। सुनील जी, आपने कहा कि मीडिया की कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम रोज़ाना युवाओं को कवर करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को कवर करते हैं। उनके ये आरोप है, उनका कहना है कि हम भाजपा से खफा हैं, भाजपा से उम्मीदें थी लेकिन भाजपा अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको भेज भी सकते हैं।
मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आपको बताया कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन बाहर ही जम्मू कश्मीर के युवा बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां जो है वो भांजेंगे, लेकिन भाजपा का एक भी नेता उनसे मिलने नहीं गया। वही युवा जैसे कि आपने कहा कि उनको उम्मीदें थी, लेकिन भाजपा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, इसलिए मजबूरन उन्हें बाहर आके प्रदर्शन करना पड़ा भाजपा के खिलाफ। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संतुष्टि से सुनिएगा। लोग, नौजवान यहाँ पे आते हैं, हालांकि ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे कोई भी अपनी आवाज़ उजागर करने का, क्योंकि हम जो लोग हैं, मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट कोई सरकार में कोई ऐसा पद नहीं है जिससे मैं डिसीजन ले सकूं। आश्वासन क्यों दिए जाते हैं फिर भाजपा की तरफ से, अगर कोई आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं तो फिर आश्वासन किस बेस पे आश्वासन दिए जाते हैं? दो प्रकार के आश्वासन होते हैं। अभी आप मेरे पास आए, आपने मुझे कोई काम बोला, ये काम आप मुझे मेरा करवाइए, मैं ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, मैं इसमें कोशिश करूँगा, इसे आश्वासन नहीं कहते। एक दूसरा ये मैं कहता हूँ आपको कि नहीं, ये मैं कर दूँगा जी, आप निश्चिंत रहे। दो चीज़ें हैं, एक कि मैं इसका प्रयास करूँगा, मैंने अगर जनता की सेवा करनी, मुझे यहाँ पे बिठाया गया है कि लोगों की आवाज़ कहीं तक पहुँचाऊँ, तो उसे आश्वासन नहीं कहेंगे, उसे प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही कहा है कि ठीक है, राइट जगह पे हम इस आपकी आवाज़ को पहुँचाएंगे और प्रयास करेंगे ठीक करने के। और बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगा कि ऐसी समस्याओं का समाधान भी हुआ, ऐसा नहीं कि समाधान नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ। यहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, अन्य लोग आए हैं, विभिन्न प्रकार के लोग आए, काफ़ी चीज़ों का समाधान हुआ। अभी आपने डेली वेजर्स के लिए देखा होगा, अभी उनके रेट्स को रिवाइज़ करके 225 से लेके 300 लिया गया। अभी देखिए, मैं आपको बताऊँगा, जो अभी रहबरे खेल हैं उनके लिए भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस बात को उठाया, मुझे लगता है कि उनका समस्या का समाधान भी होगा। और भी बहुत सारे युवा हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे देते हैं उसमें प्रयास सफल भी होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि 100% सारा सफल हो जाए, एक लिमिट होती है, सरकार की भी लिमिट होती है, पार्टी की भी लिमिट होती है। लेकिन जो उम्मीदें हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी की एक एक बात, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक व्यक्ति खड़ा उतरे। सुनिए, एक सवाल और सबसे करना चाहूँगा, दरअ 370/35 का खात्मा हुआ, जम्मू के लोगों ने उसका स्वागत किया क्योंकि उनको उम्मीदें थी कि जम्मू के साथ अब इंसाफ होगा, लेकिन 2019 से पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट जो जॉब्स को लेकर निकाली गई थी वो सब की सब कैंसिल कर दी गई। 370 का स्वागत किया गया, लेकिन युवाओं का क्या कसूर था जिनको एक उम्मीद थी, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम भी पास आउट कर दिए थे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, उन युवाओं का क्या कसूर था? मुझे लगता है कि इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आई होगी, हमने इसकी बात की थी, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी बनी तो इसमें कानून भी चेंज हुए हैं। अभी आप देखेंगे रिजर्वेशन की सीमा भी बदल दी गई है, रिजर्वेशन में इवन कि अभी जो OBCs हैं कितने लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, और भी बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे वर्गों को रिजर्वेशन मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें कानूनन चेंज हुई है। मुझे लगता है कि इस टेक्निकल दिक्कत के कारण ये हुआ है। नए जॉब में भी वो कानून इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो फॉर्म भर दिए गए हैं, जिनकी इंटरव्यूज हो चुके हैं उनको तो आप कंटिन्यू कर ही सकते थे ना। नए यूटी बनी है, जब नए रिक्वायरमेंट निकलती तो उसमें आप इस तरह के कानून ला सकते थे, पुराने रिक्वायरमेंट में आपने उस तरह के कानून जो है वो लाए, कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, उनका क्या कसूर था? मुझे लगता है कि उनको रिलैक्सेशन सरकार दे रही है, हमारी बात हुई थी माननीय LG महोदय जी से, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा, उन्हें भी रखा जाएगा और बाकी लोगों को भी रखा जाएगा, उनको ऐसा नहीं कि रिजेक्ट करके जो ओवर एज हो गए तो उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना मेरी नॉलेज में है, जितनी मेरी जानकारी में है, मैं भी इसको टेकअप कर रहा था इस इशू को, और इतना हमारी जानकारी में है कि उन लोगों को भी कंसीडर किया जाएगा, नए लोगों को भी नए कानून के तहत एक दायरे में लेके उनकी रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन बड़ी मास लेवल पे कोई रिजेक्शन नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर कर दिया गया जिनके इंटरव्यू हुए हैं, काफ़ी जो नए थे, नए इंटरव्यू होने थे उसके लिए नए फॉर्म्स और लिए गए हैं, पुरानों को भी कंसीडर किया जाएगा, वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जी, भाजपा ये दावा कर रही है कि 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जो है वो अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाएगी, लेकिन एक और पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में पैदा हो चुकी है, आम आदमी पार्टी, वो 90 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार भाजपा को टक्कर दे पाएगी? देखिए, सपने देखने का अधिकार सबको है, इसमें आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। कल हो सकता है ऐसी और पार्टियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी,
90 की 90 जीतने के लिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है वो जनाधार पर, लोगों की उम्मीदों पे, लोगों की एक सिंपैथी पे सीटें लेता है। अब रात को कोई पार्टी आए सुबह बताए कि हम 90 की 90 सीटें लेंगे और मीडिया भी उसमें अगर उछाले उस चीज़ को, तो उसे हम क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा से कहूँगा, उनका सपना जो है उनको देखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी, मजबूती से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और उसके बाद भी आप मुझे इंटरव्यू लेने आना, बड़ी दावेदारी के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी बनाएगी बनाएगी, अपने दम पे, अपने दम पे सरकार बनाएगी। और इस बार न सिर्फ जम्मू में, हम कश्मीर संभाग में भी सीटें ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुनील शर्मा जी, ये दावा करते हुए कि अपने दम पर जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी सरकार बनाने वाली है, ये तो जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी कि किस पार्टी को वो जिताती है। और देखना ये है कि विधानसभा के चुनाव कब होते हैं और परिसीमन आयोग की जो फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो 6 मई को पेश हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कब जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता किस पार्टी को अपना वोट देती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन भाजपा ये दावा कर चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर में इसमें अपनी सरकार बनाने वाली है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।